नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नीलेश शाह और आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल जैन स्टोरी 9। दोस्तों, आपकी सभी कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, मुझे अच्छा लगता है, आपका सुझाव भी मैं देखता हूं और बहुत सारे किस्सों में बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा है कि आप घर बैठे तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं और आपको तीर्थ की जानकारी, जैन तीर्थों की जानकारी मिलती है, कुछ विशेष इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। ये सब पढ़ के मुझे बड़ी खुशी होती है। दोस्तों, वैसा ही एक वीडियो लेकर के मैं आज आया हूँ आपके पास और ये वीडियो जो है वो मोहनखेड़ा जैन तीर्थ का है, वहाँ की गौशाला की मैं आज आपको यात्रा कराने वाला हूँ। आपने यात्राएँ तो बहुत सारी की होगी, लेकिन आज मैं आपको एक विशेष गौशाला की यात्रा करा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के बाद कमेंट्स भी कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। आप याद कीजिए, जीवन में कभी ना कभी आपने गाय माता की आंखों में आंखें डालकर देखा होगा। गाय माता की आंखों के भाव आपने पढ़े होंगे, समझे होंगे, आपको छू गया होगा। आपको ऐसा भी लगा होगा कि एक माँ प्रेम से, वात्सल्य से अपने बच्चों को देख रही है, ठीक उसी तरह वो गाय माता आपको देख रही होगी। दोस्तों, गाय को यूं ही माता का दर्जा नहीं मिला है, गाय हमारी माता है। गाय भारतीय संस्कृति और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। भारतीय गाय की दो मुख्य विशेषताएं हैं, एक सुंदर कुबड़ यानि हम्प और दूसरी पीठ पर और गर्दन के नीचे त्वचा का झुकाव, जिसे हम गल कंबल भी कहते हैं। गाय के शरीर में सूर्य की गोकिरण शोषित करने की अद्भुत शक्ति होने से उसके दूध, घी, जरण आदि में स्वर्ण क्षार पाए जाते हैं, जो आरोग्य और प्रसन्नता के लिए ईश्वरीय वरदान है। 15 दिन पहले इसकी डिलीवरी हुई है। हाँ, तो डिलीवरी में फंस गया था बच्चा। अच्छा, फंस गया था तो ऑपरेशन करके 1.5 घंटे में इसको निकाला बाहर। ओह माय गॉड, निकाला इसको, उसका मुंह अंदर से टेढ़ा ही निकला। अच्छा, नस में प्रॉब्लम हो गई इसको कुछ। हाँ हाँ, तो ये ऐसे ही निकला, 1.5 घंटे 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकला ये। ओहो हो, बहुत कोशिश किया इसको सीधा करने का पर वो नहीं हुआ। हमारे बासा भाई दोनों टाइम दूध पिलाते हैं इसको बोतल से। अरे वाह, सही सलामत है, बच गए। बच गए दो ही। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। इसमें क्या कराया जाता है? ये दिन भर बस सुबह से 5, 5:30, 6 बजे के बाद इनको दिन भर घूमते फिरते हैं, शाम को 5:30 बजे आके ये अपने अपने कमरों में चले जाते हैं सब। अच्छा, अंदर सब खाने की पीने की वगैरह सब व्यवस्था है इनके पास। अरे वाह जी, ठंड से बचने के लिए कम से कम अंदर पूरा सेफ्टी है। सब सेफ्टी है पूरा। गर्मी के लिए जंबो कूलर वगैरह भी लगा रखे हैं, यहाँ पे पंखे लगा रखे हैं, लाइटें लगा रखी है पूरी। अच्छा, ये
कितनी गाय है अपने पास? अपने यहाँ से टोटल 1800 गाय है। 1800 तीनों गौशालाओं में। वेरी गुड। इनका स्विमिंग पूल भी बना रखा है नहाने के लिए। आगे आइए, खोल के मुझे दिखाइए जरा। वाह, बहुत बढ़िया, क्या खुशबू आती है। गायों के पैर मिट्टी पर चलने के आदि होते हैं, इसलिए यहाँ पर फ्लोरिंग में देखिए, यहाँ पर एक लेयर, एक कोटिंग है जिस पर जो है लिपाई की गई है, और उससे गायों के पैरों को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। इनके लिए भूसे के लिए बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, 24 आवर्स खाने का कभी कमी नहीं हुआ है यहाँ। कमी नहीं हुआ है आज तक, कोई कमी नहीं हुआ है। वेरी गुड। ये पीछे जो दिख रहा है वो गोडाउन है? गोडाउन है, बड़े बड़े गोडाउन है। अच्छा अच्छा, ट्रस्ट मंडल का भरपूर मतलब, अभी सबसे बड़ा उनका प्रोजेक्ट ये है गौशाला, इसको बहुत अच्छे से चलाना है इसको बस। वेरी गुड। बहुत गुरुदेव का हमारा सपना था, ऋषभ चंद्र सुरेश जी का गौशाला चलाने का। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा सपना था हमारा, इसको अपने को बहुत उच्च स्तर पर ले जाना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है मोहन। अच्छा, गायों के रहने का कमरा भी देखिए कितना साफ सुथरा और सुंदर है। पर डे 8 से 10-15 गाय डेली आती है यहाँ पे आसपास के गांव से। पर डे आती है वो आसपास, जैसे कोई विकलांग है या ब्लाइंड है या कोई बीमार जो दूध नहीं देती है, बूढ़ी वगैरह है, वो सब गाय पर डे की 8 से 10 गाय डेली आती है यहाँ पे। अच्छा, उनको हम शरणार्थी के रूप में यहाँ रखते हैं उनकी जीव दया के लिए, और सेवा वगैरह करते हैं हम यहाँ पे उनकी पूरी। वेरी गुड। आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? सर मुझे लगभग 5 साल हो गए। अरे वाह, बढ़िया। गौशाला की यात्रा के दौरान चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार 2021 तक दुनिया में गायों की कुल संख्या लगभग 1.5 बिलियन होने का अनुमान है। गाय के दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, लोह, गंधक, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर गोलकिया के अनुसार उन्होंने गिर गाय के मूत्र में प्रवाही रूप में सोना होने का दावा किया है। कहते हैं विश्व में केवल हमारी देसी गाय एक ही ऐसा दिव्य प्राणी है जो कि अपने श्वास में ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती भी है। देसी गाय के गोबर व मूत्र में कीटाणुओं को समाप्त करने की एक अद्भुत क्षमता है। गाय एक दूसरे के साथ अपनी आवाज़, शरीर की भाषा और गंध संकेतों के माध्यम से संवाद कर सकती है। प्राचीन समय में गाय की नस्लों में मुख्यतः कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी, भौमा आदि हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में भारत में गायों की लगभग 50 से अधिक नस्लें हैं। इनमें से गिर, जो कि गुजरात में सौराष्ट्र में पाई जाती है, साहिवाल जो कि पंजाब की गाय है, थारी यह नस्ल राजस्थान के थार मरुस्थली में पाई जाती है, रेवड़ी यह नस्ल हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठाकुरी नाम की गाय की नस्ल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। इसके अलावा मालवी जो कि मालवा मध्य प्रदेश की है, देवनी मराठवाड़ा महाराष्ट्र की नस्ल है, लाल कंधारी जो कि बीड महाराष्ट्र में
राठी राजस्थान में, नागौरी राजस्थान में, खिलारी महाराष्ट्र में, वेचूर केरल में, थारपारकर राजस्थान में जो कि मैंने पहले बताई थी, अंगोल आंध्र प्रदेश, कांकरेज और सांचोरी दोनों एक ही गाय के नाम है और यह गाय गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर इलाके में पाई जाती है। निमाड़ जाति की गाय की नस्ल निमाड़ प्रदेश में जो कि नर्मदा की घाटी का प्रदेश है वहाँ पाई जाती है। और इसके अलावा अंगोल, नीलोर ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुंटूर इस इलाके में यह नस्ल पाई जाती है। ऐसी तो बहुत सारी जो नस्लें हैं गायों की जो कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाई जाती है, मगर यहाँ पर समय की मर्यादा होने के कारण हम विशेष बात नहीं करेंगे इस वीडियो में फिर कभी। तो इस प्रकार हमने बात की गायों की नस्लें कितनी है, कौन कौन सी है। इस वीडियो में आगे देखिए, यहाँ मोहनखेड़ा की गौशाला में बीमार गायों के लिए आईसीयू की क्या सुविधा है और कक्ष कैसे है, प्लीज़ आगे देखिए। आपका शुभ नाम, आपका नाम? मेरा मांगीलाल। मांगीलाल जी, आप कितने साल से यहाँ पर है? 10-15 साल है। अच्छा, गायों की दूध कार्य 10 साल तक, 5-6 साल मना आई मैं जमरज में। गायों की सेवा करते हैं? गौशाला में कितने समय से है? कितने साल हो गए आपको गौशाला में? 22-25 साल हो गए। केला की? उससे भी ज्यादा? उससे भी ज्यादा हो गया। यानी आपने पूरा जीवन यहाँ पर समर्पित कर दिया? वो तो अब यहाँ जी बहनों जो है वो तो कोई बाल बच्चा मले ने को लोगे परिवार भी नहीं है। वाह वाह वाह, सर्वप्रथम गौ माता है। गुरु महाराज कहते तेरा यूं यूं तो गुरु महाराज तेरा मेरे को छोड़ दिया। गुरु महाराज ने आपको रखा था? बुलाया था मैंने। अच्छा, अपना मुनिम के मेले से बड़ा बोला उन्होंने, बड़ा के बाप भी बोले रहे, बाप भी बोले रहे, कभी पास लाया मैंने। बहुत सेवा, बहुत मतलब मन से सेवा, बिल्कुल उनका जिस गाय से वो खड़ा नहीं होते उनको ले जाके वहाँ पानी पिलाना है, पानी है, पड़ेला है, फोकाई है, फोकाई है, दवा चोकड़ाने को खाई है, डॉक्टर साहब ने बोला ना इलाज में करे ना। हाँ, इलाज भी चाले करे ऐसी बात नहीं। ये गाय को क्या हुआ है? या तो बीमारी की था। ओ हो हो हो, हाँ। क्या हुआ था इसको? इसको कांका बीमार हो गई तो रात को अभी अभी मरी। आपको इंजेक्शन भी लगाया था डॉक्टर ने? अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ, इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर साहब ने, आए थे सुबह देख कर भी गए वो। मरीज आई है यहाँ पे, डॉक्टर आते हैं बिल्कुल सब को अपने राजगढ़ का है, कोई कहीं का है, 99% के मतलब बच जाए और खड़े हो जाइए। सही बात है, खड़ा कर रहा हूँ सर, खड़े घोड़ी मशीन है। अच्छा, या घोड़ी? हाँ, मशीन है। अच्छा, खड़ा करने की मशीन, या खड़ा करवा लो। अच्छा, खड़ा हो जा पर हलन टांगड़े बाका तो कहीं खड़ा हो गया ही नहीं। गर्मी में जंबो कूलर लगा रखे सबके लिए। Yeah.
मैंने बाहर निकालोगे कितना दे रहे बाहर जी चलेगा 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 ठीक है। ये पानी है ना गंदा हो गया ये मतलब कहीं से लाए गए हैं या कैसा है? यहीं के हैं। यहीं के है। हाँ, अच्छा। एक दो बच्चा है तो छोटे छोटे। अच्छा उसका परिवार है पूरा? परिवार है पूरा। दोस्तों मोहनखेड़ा जैन तीर्थ में आई हुई यह गौशाला के ऊपर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्यार देते रहिए। धन्यवाद।